आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पीजी की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए ऑप्शन के बारे में, क्योंकि आज से हम सेल्स वाउचर की भी एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं और एक ऑप्शन नया है इसमें, बिल्ड टू शिफ्ट फीचर इन पीजी। देख रहे हैं ना, बिल्ड टू शिफ्ट फीचर इन पीजी, इसका मतलब क्या समझिएगा, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा है सामने वाला सप्लायर, क्या है यहाँ पे, सप्लायर, और यहाँ पे अमरनाथ शर्मा आए और इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, सर मुझे 2 लाख का सीमेंट चाहिए, छड़ गट्टी बालू जो भी चाहिए चाहिए। मैंने चूंकि चीजें मेरे पास अवेलेबल हो ना हो, लेकिन फिर भी मैं इनका ऑर्डर तो लूंगा, लूंगा कि नहीं लूंगा, क्योंकि भाई दुकान उसी चीज का, क्यों तो लूंगा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको कहा ठीक है 2 दिन बाद आपके द्वार पे सारी चीजें पहुंच जाएंगी, और मैंने वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया अपने सप्लायर को कि भैया हमको सामान चाहिए। अब क्या करेगा सप्लायर, ऑर्डर रिसीव करेगा, जिसमें उन्होंने पढ़े थे ऑर्डर वाला परचेज ऑर्डर, हाँ वो सारी चीजें वो किया। उसके बाद वो सामान अब दो काम करेगा, वो सामान लदवाएगा और आपके दुकान पे लाके उतरवा देगा। लेकिन आप इस ऑप्शन का यूज ना करके आपने अपने सप्लायर से ही कह दिया कि भैया पेमेंट तो करिए, लेकिन बिलिंग भी करिए, लेकिन जो डिलीवरी करिए डायरेक्टली अमरनाथ के वहां कर दीजिए, नहीं तो मेरे वहां आएगा उतरेगा फिर मैं लदवाऊंगा फिर अमरनाथ के जाके उतरवाऊंगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस ऑप्शन को बोला जाता है बिल टू शिप ऑप्शन, मतलब बिलिंग तो मेरे नाम से हुई लेकिन डिलीवर कहीं और हो गया। जैसे मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, मेरे घर वालों को कोई रिक्वायरमेंट थी और फ्लिपकार्ट से मैंने चीजें ऑनलाइन कर दी, जो जरूरी नहीं है दिल्ली से ऑर्डर करेंगे दिल्ली में ही आएगा, मैंने एड्रेस यहाँ पटोना का डाल रखा था, पटोना मेरी चीजें डिलीवर हो गई। जैसे कि मान लो आपने नॉर्मली शुरू से पढ़ते आए कि परचेज होगा तो परचेज के अकाउंट बनाते हैं, इसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट कौन आएगा, नगद खरीद रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दिए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन खरीदा है, पार्टी कौन है, या आप सेल कर रहे हैं तो आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया किसको, कैश को, लेकिन किसको आपने बेचा है पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए बिल टू शिप ऑप्शन जरूरी है, तभी तो पार्टी का नाम डालते हैं, क्योंकि हम पार्टी का नाम तब तो डालते हैं जब उधार आता है, और नहीं तो कैश डाल देते हैं, ये नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कैश भी डालना है और पार्टी का नाम भी डालना है, तो कैसे इस ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है बिल टू शिप। देखिए कुछ लाइन लिखी हुई है, कह रहा है ट्रेड ट्राइंगल, कह रहा है जब हम अपने जीएसटीआईएन पर बिल कराते हैं लेकिन प्रोडक्ट की डिलीवरी अपने किसी कस्टमर के यहाँ कराते हैं, ठीक है, मतलब अपने वहां ना करा के अपने किसी कस्टमर के वहां डिलीवरी डायरेक्टली करवा दिया, ऐसे कंडीशन में बिल टू शिप ऑप्शन का यूज करते हैं। जब हम, या दूसरा ये भी हो सकता है भाई, जरूरी नहीं जिसको हम बेच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो भी बेचने के लिए हमसे खरीद रहा होगा, हो सकता है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदे, ये भी हो सकता है ना, अपने घर बनवाने के लिए करें जो भी है। हम किस लिए खरीदते हैं, हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, क्योंकि हम लोग व्यापारिक आदमी है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्या नाम है इस लड़के का, बगल में है, तुम्हारे साथ आया क्या, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस ऑप्शन को बिल टू शिप बोला जाता है, कह रहा है कि जब हम कैश सेल करते हैं लेकिन बिल कस्टमर के नाम से बनाते हैं, मतलब कैश सेल किया फिर भी कस्टमर का नाम लाना है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि जब सेल नगद करेंगे तो कैश का आएगा, सेल्स की बात आएगी, कस्टमर का नाम नहीं लिखते, क्योंकि पार्टी का नाम तब तो लिखते जब उधार वाली बात आती है, लेकिन यहाँ बिजी है, यहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ कैश अगर बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं उनका भी नाम मेंशन होना चाहिए। तो मेंशन तभी कर पाएंगे जब आप इस ऑप्शन से रूबरू होंगे, या इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तब, ठीक है। तो कैसे इसको इनेबल करेंगे, चलिए लेट अस सी। सबसे पहले कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है, आप आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फिगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद कहाँ जाना है आपको, हाँ वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, और सेल्स में आ गए, एक नई सीरीज बना ली है सेल्स का, ऐड न्यू पे क्लिक करके क्या बना लें, जी यस यस टी, इंटर कर लिया, अब जीएसटी को सिलेक्ट करके पहला तो वाउचर नंबरिंग, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे, इंटर करेंगे। पूछ रहा है ऑल पार्टीज के लिए, केवल कैश और बैंक की बात है कि, तो सारी पार्टीजों के लिए, और यहाँ पे जो मैंडेटरी स्पेसिफाई फील्ड है जो भी है, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, हो गया। और एक और दिक्कत आएगी, जो सेल्स में आएंगे तो उसकी नंबरिंग जो है वो ऑटोमेटिक रहेगी,
यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक नंबर हो सकता है, जीएसटी लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ऑटोमेटिक नंबरिंग हो गई वन ना, लेकिन हमको ऑटोमेटिक नहीं करनी है तो क्या करेंगे उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स अपनी सीरीज को सिलेक्ट करेंगे और वाउचर नंबरिंग को क्या कर देंगे, मैनुअल कर देंगे, याद आ रहा है, मैनुअल करेंगे तो क्या होगा, खुद से डाल सकते हैं आप, खुद से कर सकते हैं आप। अब आइए नीचे सेल्स ट्रांजेक्शन पे, सेल्स पे ऐड करिए सीरीज में जीएसटी, वाउचर नंबर दिया हुआ है पहला B2C-0001 और यहाँ ले लेंगे लोकल 18%, कितना 18%। पार्टी का नाम जो है वो है कैश, क्या है कैश है, कैश बेच रहा है ना। अब यहाँ पूछ रहा है एज पर पार्टी मास्टर है कि बिलिंग शिपिंग डिटेल है, नहीं बिलिंग शिपिंग डिटेल है हमारे पास, पार्टी कैसी है, देखिए उसका जीएसटी नंबर नहीं दिया होगा, दिया है जिसका भी नाम आनंद लिखा है, क्या लिखा है देखिए क्या लिखा हुआ है, आनंद लिखा हुआ है, आनंद कुमार मिश्रा, देखिए उसका जीएसटी नंबर दिया है नहीं दिया है, यानी कि अनरजिस्टर है, कैसा है अनरजिस्टर। पार्टी का नाम, पार्टी के नाम में डाल दिया आनंद, आनंद कुमार मिश्रा। अगर सुन लीजिए, अगर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते, अगर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते तो अब क्या होता, ये ऑप्शन जो अभी आ रहा है वो नहीं, अगर इस ऑप्शन को इनेबल नहीं किए होते ना तो ये कहीं ऑप्शन आता ही नहीं, जैसे मैं अगर उसको आप नो करके करते, एक बार आपने बिना इनेबल किए चेक कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका आता ही नहीं, डायरेक्टली कैश में सेल हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, और उसका प्रीव्यू गलत आ जाता है, अजीब आता है, कैश में आ जाता है, पार्टी का नाम बिल्कुल खाली रहता है। और इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद उनका एड्रेस डालेंगे, एड्रेस क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है रामकोला रोड, रोड बडरौना, बस। और क्या कर देंगे, मोबाइल नंबर वगैरह भी डालना चाहते हैं उनका, कांटेक्ट नंबर, ताकि बाद में कुछ पता ना, पूछना उछना हो तो हमेशा कांटेक्ट डिटेल रखना चाहिए। सर का नंबर डालना है 9935131222, ईमेल आईडी भी होगा तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे, आधार नंबर होगा आधार नंबर डाल देंगे। इंटर किया, आइटम क्या नाम है, एमएस राउंड बार 10 mm, कितना एमएम 10 mm, क्वांटिटी कितनी है 1000 kg है, 1000 kg है। इंटर किया और जो प्राइस है वो है 40 rupees, कितना है 40 rupees, यानी 40,000। और अब क्या कर देंगे, टैक्स अप्लाई कर देंगे, 3600 rupees क्या आ गया आपका, कहाँ जा रहा है जी, तो कंफर्म टीचर से पूछना नहीं चाहिए, यही संस्कार है। तो 3600 rupees सही भी है, देख भी सकते हैं आप, नहीं अगर कभी कभी अगर आपको लग रहा है गलत कैलकुलेट हुआ है, टैक्स निकालने का तरीका आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जितना अमाउंट है 40,000, का मतलब होता है गुड़ा, गुड़े 18 और बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब 400 × 18 कर लीजिएगा, 18 × 36 = 72, यानी 7200। और चूंकि आईजीएसटी तो दे नहीं रहे कि 7200 देंगे, आधा आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3600 × 36 = 7200, आगे नहीं आगे, तो ऐसे टैक्स आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टैक्स हो गया, अब इसको हम क्या कर देंगे, सेव करें। और यहाँ तुरंत पूछेगा कि प्रीव्यू देखना चाहते हैं, हमने कह दिया यस देखना है, और स्टैंडर्ड या हाफ पेज में जो भी होगा, हाफ पेज लेंगे तो हाफ पेज हो जाएगा, प्रीव्यू स्टैंडर्ड लेगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, प्रीव्यू हाँ बाबू, जैसे पेज नहीं हम लोग पढ़े हैं, देखिये यहाँ पे जो भी रखना है आपको, हेडर में फुटर में जहाँ भी रखना है, ऑटो टेक्स्ट बिल ऑफ सप्लाई ऑन द बेसिस, ये बिल ऑफ सप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रिंट क्या रहा है, प्रिंटेड हेडर नेम जो भी है, हेडर नेम को मान लो यस कर दिया, इसको यस करेंगे, देखिए वहां आ जाएगा, यहाँ कंपनी का नाम हट जा रहा है, देख रहे हैं, इसको रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग बिल आप सप्लाई कर रहे हैं ना, टैक्स इनवाइस इशू होगा ही नहीं, और क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखिए छप के आएगा, देखिए रहा, देखिए श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, देख रहे हैं ना B2C, देखिए बिल्कुल जैसा आपका बिल होगा वैसे दिखा रहा होगा, कैश शिफ्ट में आनंद कुमार मिश्रा रामकुला रोड पड़ोना कुशीनगर, MS राउंड बार, SSN नंबर दिखाएगा, क्वांटिटी दिखाएगी, यूनिट दिखाएगा, प्राइस है और अमाउंट है, और नीचे करेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, जीएसटी।
देख रहे हैं ना, और यहाँ पे भी इसी नाम बैठे पड़ेगा, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वहां पे है, देख लीजिए आप, सही है गलत है? सही, बस बंद कर दीजिए, प्रीव्यू नहीं देख रहा है हमको। एक क्वेश्चन आपका, जैसे प्रीव्यू को बंद करेंगे वो फाइल भी आपको, जो ट्रांजेक्शन आपने रिसेंटली किया है तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन B2C जो दिया हुआ है 002, इसमें देखिए वीवो मोबाइल नंबर वे करना है, मोबाइल सेल करना है, ठीक है, पूछ के नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बता के जा सकते हैं आप ही टीचर हैं, ठीक ये भी नहीं, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद शिक्षक हैं, हर एक भावनाओं से व्यक्त का रूबरू है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है B2C0002, और यहाँ मोबाइल बेच रहे हैं, देखिए उसके नीचे दिया होगा उसका सीरियल नंबर, यानी मोबाइल नंबर बेच रहे हैं, किस सीरियल नंबर से बेच रहे हैं ये मैटर करता है। मैंने एक दिन कहा था मेडिसिन पे भी सीरियल नंबर होता है, दुकान वाले पहचान जाएंगे कि आप उनके दुकान की मेडिसिन उसको वापस करा है किसी और का, कोई भी दुकानदार किसी और की दुकान की मेडिसिन अपने दुकान पे वापस नहीं लेगा, ठीक ठीक है। तो चलिए इंटर करते हैं, अगला है B2C0002, 18% ही है, पार्टी का नाम क्या है, कैसी है, और बिलिंग स्लिप डिटेल में डाल दीजिएगा, नाम उनका रजिस्टर है, पार्टी का नाम क्या है, मिस्टर राजेश शुक्ला, मिस्टर राजेश शुक्ला, एंटर किया, एड्रेस डाल दिया, क्या दिया है, पड़ोना कुशीनगर, ठीक एंटर किया, एंटर कर दिया, और जो भी डिटेल होगी मोबाइल नंबर वगैरह जो भी भरना होगा भर लीजिएगा, एंटर कर दिया, एंटर किया, कौन सा चीज बेच रहे हैं, फोन वीवो का, कितना पीस, एक पीस। तो देखिए जैसे इंटर करेंगे आप पूछेगा किस सीरियल नंबर से बेच रहे हैं, तो हमने ले लिया पहला वाला, 241 है आई थिंक, 41 वाला ही है ना, और क्या कर देंगे, सिलेक्ट ऑल नहीं करेंगे, ओके कर देंगे, हो गया, अमाउंट कितना है, 11,500 रुपये, और अब टैक्स लगा देंगे 1,035, सही है, ठीक सही है, टोटल बैलेंस आ गया 13,570, इसको क्या कर लेंगे, सेव कर, जितनी बार सेव करेंगे प्रिंट प्रीव्यू अपने आप देगा, चेक कर सकते हैं आप इसको प्रीव्यू, और देखिए बिल्कुल आपके जैसे पेज में है सीट, वैसा ही अगर है तो बिल्कुल सही है, ठीक है क्या ठीक सीरियल नंबर नहीं आया है, है सही कह रहा है, उसके लिए इसका हमको लग रहा है सेटिंग में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, चलिए वो देख लिया जाएगा। तो हो गया, अगला क्या है, रमेश चंद्रा है, और इनको भेजा गया है बाटा मेन्स फॉर्मल स्लिप शूज, ये बनाए थे हम लोग, ठीक वाउचर नंबर इंटर करेंगे, जीएसटी क्या है, B2C-0000, 18% है ना, पार्टी का नाम कैश, बिलिंग किसके नाम से हो रही है, रमेश चंद्रा, ओमकार वाटिका, वाटिका W से है, स्पेस ठीक है, वाटिका और जो भी है डिटेल उनका डालना होगा मोबाइल नंबर वगैरह डाल लीजिएगा, क्या है, बाटा, कितना पेयर है, एक पेयर है, हाँ, इसमें सीरियल नंबर वाली बात आएगी नहीं, ठीक है, अमाउंट क्या है, 1,200 है, और क्या लगा देंगे, 108 रुपया, और क्या कर देंगे,
क्या है अगला? नहीं एक देख लीजिए लास्ट है। ये दोनों कैश ही देख रहे हैं ना, कैश कैश, इंटर किया इंटर किया। वाउचर नंबर B2C00 4 18% ही है और पार्टी का नाम कैश हो। देखिए सामने ये कैसे करेंगे, कैश हो गया और यहाँ पे भी बिलिंग पार्टी की डिटेल में भी क्या रहेगा, कैश ही कर दिया मैंने, कैश ही ठीक है। और क्या कर दिया, ओके कर दिया और इंटर किया। आइटम का क्या नाम है, डेटॉल केस वाला है, केस वाला, केस वाला है। कितना केस है, एक केस है और प्राइस डायरेक्टली डाल दीजिए, टोटल अमाउंट डाल दीजिए इसका। एक मिनट जब कहा पैसा डाले हैं, किस के हिसाब से दिया ना, किस के हिसाब से डाले इनके, केस का दिया ना इंटर, प्राइस पर पीस दिया है, नहीं किस के हिसाब से डाले, किस के हिसाब से कितना है 27 33 ठीक है, एक ही केस है ना। और ₹246.00 सही तो है, राउंड अप भी लगाया है, राउंड अप प्लस किया है, कितना पैसा 0.5 3226 सही है। आप सेव कर देंगे, देखिएगा इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो दोनों कैश आना चाहिए, दोनों कैश कैश, देखिए कैश कैश आ रहा है, बस हो गए, बस यही कर लीजिएगा, नहीं तो रुक जाइए ठीक है, ठीक कर लीजिएगा।